हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सियोमी रेडमी 5 की, जिसमें लगा है 5G लॉक। तो इस लॉक को कैसे रिमूव करते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक। तो देखते हैं दोस्तों इसका मॉडल नंबर रेडमी 5। और देखते हैं दोस्तों सबसे पहले फोन दोस्तों हमें जो है वाईफाई से कनेक्ट करना है। और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, यानी कि FRP करते समय यूट्यूब अपडेट का दोस्तों ऑप्शन हमें मिल गया है। तो दोस्तों उस यूट्यूब अपडेट को आज हम FRP बताने वाले हैं, यानी कैसे रिमूव करते हैं, यानी कि रेडमी 5 में यूट्यूब अपडेट मिलता है तो उसकी FRP रिमूव करना हम आज दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं दोस्तों यानी कि ऐड नेटवर्क पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। ऐड नेटवर्क पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ आपको लिखना है www.youtube.com दोस्तों आपको यहाँ लिखना है। तो दोस्तों मैं लिख लेता हूँ, फिर दोस्तों आपको इस पर दबाए रखना है। फिर दबाए रखने के बाद दोस्तों आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों इस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको मैसेज पे जाना है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ पहले, यानी कि मैसेज से हम दोस्तों यानी कि FRP बाईपास कर लिया करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक नंबर लिखना है ऊपर, तो देख सकते हैं दोस्तों यानी कि इस पर दोस्तों आपको यानी कि क्लिक करना है। यानी कि इससे दोस्तों पहले क्या था दोस्तों, यूट्यूब दोस्तों हमारा ओपन, यानी कि फ़ोन में दोस्तों यूट्यूब ओपन हो जा करता था दोस्तों, वहाँ से FRP बाईपास दोस्तों हो जा करी थी। दोस्तों अब यहाँ दोस्तों यूट्यूब अपडेट का दोस्तों ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि अपडेट करेंगे दोस्तों यानी कि प्ले स्टोर पर पहुँचेगा, और दोस्तों यहाँ से आगे नहीं बढ़ने का। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आए तो कैसे करना है दोस्तों, आपको और बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर शेयर करना है, यानी कि फिर इस पर दबाए रखना है। फिर दोस्तों आपको शेयर पर जाना है। शेयर पर जाने के बाद दोस्तों आपको जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, देखते हैं दोस्तों इस पर दबाए रखना है। दोस्तों आपको इस पर दबाए रखने के बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पर जाना है। फिर दोस्तों ऐप सेटिंग पर जाना है नीचे। फिर दोस्तों ऐप सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट ऊपर मिलेंगे। फिर दोस्तों हेल्प एंड फीडबैक। फिर दोस्तों यहाँ सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद दोस्तों यहाँ डी दबाना है। डी दबाने के बाद दोस्तों डिलीट और डिसेबल ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे यानी कि एप्लीकेशन सेटिंग का दोस्तों इस पर ऑप्शन मिलेगा। फिर दोस्तों क्रोम ब्राउजर दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करना है। दोस्तों हम जो है फ़ोन के क्रोम ब्राउजर पर दोस्तों आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन करना है। फिर दोस्तों यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है दोस्तों, आपको पता हो साइट का, यानी कि क्विक शॉर्टकट में कर एप्लीकेशन यानी कि डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों मैं साइट का नाम डाल लेता हूँ जिस साइट से हम दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों आपको लिखना है BK स्मार्टफोन। तो दोस्तों मैं लिख लेता हूँ BK स्मार्टफोन, मैंने लिख लिया दोस्तों। फिर आपको BK स्मार्टफोन.com पे आ दोस्तों क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ गूगल अकाउंट बाईपास 2020 पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। दोस्तों मैं देख सकते हैं दोस्तों यानी कि क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन, फिर कंटिन्यू कर देना है। इस पर क्लिक करना है क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन पे। फिर दोस्तों कंटिन्यू करना है। फिर दोस्तों यानी कि ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में यानी कि डाउनलोड हो जाएगी। फिर डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में दोस्तों इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को यानी कि इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर यहाँ जाना दोस्तों आपको 3 डॉट में जाना है, फिर डाउनलोड पर। फिर देख सकते हैं दोस्तों क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन यानी कि इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को यानी कि अपने फ़ोन में यानी कि ओपन कर लेना है। मैं दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर इस यहाँ जाना है दोस्तों एप्लीकेशन में। फिर दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, टाइप करना है। फिर दोस्तों अबाउट में जाना है। दोस्तों मैं फ़ोन के अबाउट में चले जाता हूँ। फिर MIUI वर्जन पर दोस्तों आपको 3-4 बार यानी कि क्लिक करना है, यानी कि फ़ोन का जो दोस्तों डेवलपर होता है वो अपने फ़ोन में यानी कि ओपन कर लेना है 4-5 बार क्लिक करने के बाद उस पर। फिर दोस्तों नीचे आना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ जाना है, डेवलपर ऑप्शन का दोस्तों ऑप्शन आ चुका है। फिर OEM अनलॉक का यानी कि क्लिक करना है एक बार। फिर इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे फ़ोन की FRP यानी कि अनलॉक हो जाएगी। फिर दोस्तों अपना फ़ोन यानी कि रिवर्ट कर देना है, यानी कि रिस्टार्ट कर देना है फ़ोन। तो दोस्तों मैं यानी कि रिस्टार्ट कर देता हूँ। और दोस्तों कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों हमने यानी कि फ़ोन अपना यानी कि रिस्टार्ट कर लिया, और दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। और हमारा फ़ोन दोस्तों पहले यानी कि गूगल अकाउंट मांग रहा था, वो दोस्तों अब नहीं मांगने का, और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये चेकिंग फॉर अपडेट हो रहा है अभी। और देखते हैं दोस्तों स्किप का ऑप्शन आ चुका है। पहले दोस्तों यहाँ गूगल अकाउंट मांग रहा था, दोस्तों हमारा फ़ोन में भी स्किप का ऑप्शन आ चुका है, और हमारा फ़ोन बिल्कुल अब ओके हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों सेटअप कंप्लीट है, नहीं हमारा फोन बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो जो लाइक करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखने लगा। आपका दिन शुभ हो।